बड़ी खबर अगस्ता वेस्टलैंड मामला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने दायर की पूरक चार्जशीट। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पूरक चार्जशीट दायर की है। इस मामले में क्रिश्चियन मिशेल के बयान के रिकॉर्ड को भी आरोप पत्र में प्रस्तुत और उल्लेख किया गया है। खबर सामने आ रही है कि आरोप है कि मिशेल एक बिचौलिया है जिसे सऊदी अगस्ता वेस्टलैंड समझौते को अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूरक आरोप पत्र पहले ही दाखिल कर चुका है। यह आरोप पत्र एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी, उनके दो चचेरे भाइयों वकील गौतम खेतान, दो इटालियन दलाल और फिन मैकेनिक के खिलाफ दाखिल किया गया है। क्या है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला? 2010 में भारतीय वायु सेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एंग्लो इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड और भारत सरकार के बीच करार हुआ था। जनवरी 2014 में भारत सरकार ने 3600 करोड़ रुपए के करार को रद्द कर दिया। आरोप था कि इसमें 360 करोड़ रुपए का कमीशन लिया गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना को दिए जाने वाले 12 AW 101 VVIP हेलीकॉप्टर की सप्लाई के करार पर सरकार ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी थी, जिस वक्त यह आदेश जारी किया गया था। भारत 30% भुगतान कर चुका था और बाकी 3 अन्य हेलीकॉप्टरों के लिए आगे के भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी। यह मामला इटली की अदालत में चला, जिसमें ये बातें उजागर हुई कि 53 करोड़ डॉलर का ठेका पाने के लिए कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को 100 से 125 करोड़ रुपए तक की रिश्वत दी थी। इतालवी कोर्ट के फैसले में पूर्व IAF चीफ SP त्यागी का भी नाम सामने आया था। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का खुलासा होने के बाद UPA सरकार को विपक्ष ने घेर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। यह भी आरोप लगे थे कि मोदी सरकार ने इटली से सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत मांगे थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।